हेलो बच्चों आज हम पढ़ेंगे सेंटेंसेस के बारे में सेंटेंस क्या होते हैं व्हाट इज़ अ सेंटेंस सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह साथ ही उसमें होना चाहिए कंप्लीट थॉट उसके साथ में उसमें सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन भी होना चाहिए साथ ही उन शब्दों के कोई अर्थ भी निकलना चाहिए कोई मीनिंग उन शब्दों का होना चाहिए अगर उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है तो वह हमारा सेंटेंस नहीं है नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं एक होता है सब्जेक्ट दूसरा होता है प्रिडिकेट द सब्जेक्ट इज वॉट सेंटेंस इज़ अबाउट सब्जेक्ट वह होता है जिसके बारे में हमारा सेंटेंस होता है वेल द प्रिडिकेट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट जबकि प्रिडिकेट हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है आगे आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं रूबी रंग्स यहाँ पर जो हाईलाइट एरिया है वह है हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का जो पार्ट है वो हमारा प्रिडिकेट है रूबी रन्स रूबी हमारा सब्जेक्ट है रन्स हमारा प्रिडिकेट है रूबी एंड हर डॉग रन ऑन द बीच एवरी मॉर्निंग यहाँ पर रूबी एंड डॉग ये हमारा सब्जेक्ट है और बाकी का पार्ट हमारा प्रिडिकेट है आई हैव थ्री ब्रदर मेरे तीन भाई हैं आई हमारा सब्जेक्ट हैव थ्री ब्रदर्स हमारा प्रिडिकेट है माला लाइक्स आइसक्रीम माला हमारा सब्जेक्ट है और लाइक like, आइसक्रीम uh, हमारा प्रिडिकेट है वी आर सरप्राइज में वी हमारा सब्जेक्ट है आर सरप्राइज हमारा प्रिडिकेट्स है नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सेंटेंस सेंटेंस कितने टाइप्स के होते हैं सेंटेंस चार टाइप के होते हैं फर्स्ट है डिक्लेरेटिव सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस डिक्लेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें हमको कुछ इंफॉर्मेशन दी जाती है एग्जाम्पल्स हैं अ डोग इज़ मैनस बेस्ट फ्रेंड इस सेंटेंस में हमको इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो डोग है वो इंसानों का बेस्ट फ्रेंड होता है नेक्स्ट है सैंडविच इज़ वेरी टेस्टी इस सेंटेंस में हमको सैंडविच के स्वाद के बारे में जानकारी दी गई है शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल यहाँ पे हमको गर्ल की ब्यूटी के बारे में जानकारी दी गई है नेक्स्ट है हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं ऐसे सेंटेंस जिनमें हमसे कुछ क्वेश्चन किया जाता है साथ ही इनमें क्वेश्चन मार्क भी होता है इसके एग्जाम्पल है हु आर यू तुम कौन हो वेर इज़ माई बुक मेरी किताब कहाँ है हाउ आर यू तुम कैसे हो विल यू बी माई फ्रेंड क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे ये सब हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है क्योंकि इनमें कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस इम्पेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं वे सेंटेंस जिनमें कोई कमांड दी जाती है या फिर कोई रिक्वेस्ट की जाती है इसके एग्जाम्पल है पुट द की इन ड्रॉर की को ड्रॉर में डालो यहाँ पर एक कमांड दी जा रही है वेट फॉर मी मेरा इंतज़ार करो यहाँ पर भी हमको कमांड दी जा रही है प्लीज़ लीव योर फुटवेयर आउटसाइड अपने फुटवेयर बाहर उतारो इस सेंटेंस में हमसे रिक्वेस्ट की जा रही है क्योंकि यहाँ पे प्लीज का इस्तेमाल किया गया है ये सब हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं नेक्स्ट है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कौन से होते हैं वे सेंटेंस जिनमें इमोशन और फीलिंग बहुत ही स्ट्रांगली एक्सप्रेस किए जाते हैं इसके एग्जाम्पल हैं डैट इज़ ह्यूज फिश यह कितनी बड़ी मछली है साथ ही इन सेंटेंस में एक्सक्लेमेटरी मार्क्स भी होना चाहिए वट अ ब्यूटिफुल डे कितना खूबसूरत दिन है ही सच अ नाइस बॉय यह सच में एक अच्छा लड़का है ये सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं तो बच्चों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ओके बच्चों गुड लक एंड गुड बाय